आज मेरे क्लासरूम में ये दोनों क्या कर रहे हैं आप लोग को ज़रूर डाउट हो रहा होगा आज ये जो चैप्टर मैंने स्टूडेंट्स को क्लियर किया और उसके बाद आज मम्मी और ये दोनों आ गए हैं कि मतलब हमको भी सीखना है और लोगों को सिखाना है करके तो आज एक बहुत ही अलग टाइप का वीडियो आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मम्मी कंप्लीट एक बॉडी मेजरमेंट ले करके दिखाएगी किसी भी लेडी का किस प्रकार से आपको बॉडी मेजरमेंट लेना चाहिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मैंने बहुत कुछ चीज़ें अपनी मम्मी से सीखा हुआ है लाइक अगर बात करें दो तो हज़ार तेरह तक के तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मम्मी पर डिपेंडेंट था और ये कटिंग्स करती थी और मैं सलवार की चूड़ीदार की पैजामा की जितने टाइप के पैजामा होते हैं ना पूरा उसका सिलाई मैं करता था तो पूरा मेरा रोजी रोटी सलवार सिल सिल के ही निकल गया <laughs> एक्चुअल बता रहा छोटी छोटी चीजें कोई रेडीमेड कुर्ती में अस्तील लगवाने के लिए आ गया तो उसको मैं बीस रुपए पच्चीस रुपए लेके अस्िल लगा दिया करता था आज हालांकि वो चीजें बहुत वो लगती हैं लेकिन वो दिन आज भी हम नहीं भूले हैं बहुत मजा आता है तो जब मैंने इतना कुछ अपनी मम्मी से सीखा अपने पापा से सीखा है तो चलिए आज आप लोग भी कुछ थोड़ा बहुत सीखिए है ना और ऐसे ही इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और ऐसे ही मैं तरक्की करता रहा ऐसा आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दें तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मेजरमेंट्स किस प्रकार से लेते हैं थोड़ा साइड होना यहां पर मैं टोटल कितने मेजरमेंट्स के बारे में बात करूंगा लाइक आपका सबसे पहले हो गया लंबाई उसके बाद अपर चेस्ट चेस्ट कमर शोल्डर सामने गला पीछे गला डॉट पॉइंट अस्तिन अस्तिन की गोलाई और आर्म होल ये कंप्लीट इतने मेजरमेंट्स रहेंगे अब देख के आपका सिर चकरा जाएगा कि इतना मेजरमेंट लेना पड़ता है तो जी हाँ अगर आप एक बुटीक लेवल स्टिच करना चाहते हो ना तो आपको ये पूरे मेजरमेंट लेने पड़ेंगे वो बात अलग है कि आप एकदम सीख रहे हो और घर पे बैठ के सिलाई कर रहे हैं किसी से कोई मतलब नहीं है टेंशन नहीं है ना तो खाली चेस्ट लंबाई लेके बना लोगे उसका टेंशन नहीं है लेकिन आज मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि इतने मेजरमेंट्स ले करके आप कैसे मतलब मम्मी बताएगी भाई मैं नहीं बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेंथ से है ना जब भी आप लंबाई नापेंगे हालांकि मैं थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि मम्मी थोड़ा सा बोलने में कंफर्टेबल नहीं होगी तो मैं बताते जाऊंगा मम्मी मेजरमेंट लेके दिखाते जाएंगे तो जैसे आप लंबाई नापते हैं तो सबसे पहले कोई भी आपका कस्टमर उसको आप क्या करेंगे पीछे करेंगे है ना और जब पीछे करेंगे तो बाल देखो ये हमारी एक्सपर्ट कस्टमर है <laughs> बाल को सामने करना है ठीक है तो हाँ शोल्डर ये जो शोल्डर का आपको ज्वाइंट दिख रहा है ना यहाँ पर आपको टेप रखना है और यहाँ से लेंथ कहां रखना अपना है जहां तक ब्लाउज की लंबाई है अब क्या कर सकते हो नाप के जैसे पर ये ये इस तरह से हमने शोल्डर के पे क्या रखा टेप को रखा उसके बाद यहां पर आप टोटल ब्लाउज की जो लेंथ है वहां पर आप रखेंगे और जैसे आ रहा है यहां पे कितना तेरह इंच का आप कस्टमर से यहीं पर पूछ सकते हैं देखो मेजरमेंट लेने का तरीका तो आप जानते हैं लेकिन बहुत सारी टिप्स आज दे रहा हूं आप यहां पर टेप रखे ना अब कस्टमर को फील होगा यहाँ पे जब आप उनको ऐसे टच करोगे ना तो फील होगा तो जैसे ये तेरह इंच की लेंथ है अगर आप कस्टमर बोल रहे हैं कि मेरे को लंबाई थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ा नीचे इस तरह से कर लोगे और उंगली यहाँ पर टच करके बताना इतना चलेगा बोलेंगे कस्टमर हाँ ठीक है तो आप उस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं टोटल चौदह इंच की अब बात करते हैं अपर चेस्ट का तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट किस प्रकार से लेना है देखो ऑटोमेटिक से घूम रही है एक सेकेंड अब जब चेस्ट का आप मेजरमेंट लेंगे इस तरह से अपर चेस्ट का मतलब आपको ऊपर से नापना है हाँ ये वाला जो नाप है जैसे यहां पर हम अपर चेस्ट नाप रहे हैं और नापने का मैं आपको एक सीक्रेट राज बता रहा हूं ना एकदम ज्यादा टाइट नापना है ना एकदम ज्यादा लूज नापना है बॉडी मेजरमेंट का यह बात है कि आपकी यहां पर एक उंगली अंदर होनी चाहिए बस एक उंगली टेप के अंदर होना चाहिए तो यहां पर अपर चेस्ट आ रहा है इनका थर्टी अब चेस्ट का मेजरमेंट चेस्ट मतलब कि फुल बस्ट तो ये इस प्रकार से नापेंगे इनका चेस्ट कितना आ रहा है थर्टी सिक्स ये इस तरह से अब आ जाएंगे सीधा कमर पे तो जैसे कमर यहां पर आएंगे हम तो ये ये इनका कमर आ रहा है लगबक, के, के रहा है है लगभग सब खा पी के के चक्कर में हो ना आमतौर पर जैसे मैं बात करता हूँ चेस्ट और कमर पे स्टैंडर्ड अगर बॉडी फिगर्स की बात की जाए तो छह इंच का डिफरेंस होना चाहिए चेस्ट से कमर के बीच में लाइक जैसे आपका चेस्ट छत्तीस है तो कमर तीस होना चाहिए उन्तीस है तो सोने पे सुहागा लेकिन 30 है बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन इनका क्या हो गया है बत्तीस हाँ दो इंच बढ़ गया है तो इससे ये टेलर्स के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ना अब इसके बाद आते हैं हम शोल्डर के मेजरमेंट पे अगेन कस्टमर को पीछे बाल सामने उसके बाद शोल्डर कैसे नापा जाता है तो ये एक अस्तिन के ज्वाइंट से दूसरे अस्तिन के ज्वाइंट का जो गैपिंग डिस्टेंस है इसको आप नापेंगे मान लो कस्टमर का जो ब्लाउज है वो सही फिटिंग नहीं है शोल्डर गिर रहा है तो वो आप अपने अनुभव से जैसे यहां पर हम इनका देखें तो शोल्डर थोड़ा सा डाउन जा रहा है है इसको हम इस तरह से से पहनाएंगे पहले अच्छे प्रॉपर आप सेट कर लें ठीक जेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लेकिन अगर आपके पास लेडीज आई आप खुद ही लेडीज हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा और ये तो मेरी वाइफ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ये इस तरह से चौदह इंच इनका शोल्डर आ रहा है ठीक है तो इस प्रकार से चौदह इंच हमने नोट कर लिया अब पीछे का गला जैसे आपने घुमाया हुआ है पीछे बार बार आगे पीछे बोलोगे तो कस्टमर कंझा जाएगा ये क्या है है ना तो जैसे क्या क्या चीजें आप पीछे करने के बाद नाप सकते हैं पीछे का गला यहीं से नाप सकते हैं तो सीधा आप यहाँ टेप रखो और हम लोग ना पैदा इसी ऐसी तिरछा नापते हैं अगर आपको सीधा नापना है तो आप यहाँ से इस तरह से सीधा भी नाप सकते हो तो इनका जो गला है ये क्या है ग्यारह इंच का और एक चीज और टिप दूंगा अगर आप सीधा नापोगे तो कटिंग करते वक्त सीधा लेना और नाप लेते वक्त अगर तिरछा ले रहे हो तो कटिंग करते वक्त भी तिरछा लेना है अब बस इतना ही जो मेजरमेंट था वो पीछे से लिया जाता है अब इनको हम सामने कर लेते हैं बार बार परेशान नहीं करेंगे अब ये हो गई है सामने सामने का गला सामने का गला कितना खोलना है तो ये जो है कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है आमतौर पर सात सवा सात इंच तक सफिशेंट होता है है ना तो यहां पर हम ले लेते हैं सीधा सवा सात इंच अब आ जाते हैं डॉट पॉइंट पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है जो आपको बॉडी से लेना चाहिए कैसे नापोगे शोल्डर पे टेप रखना है ये इस प्रकार से और डॉट का जो पॉइंट है वहां तक आपको नाप करके देखना है कितना आ रहा है दस इंच ठीक है ये इस तरह से अब अस्तिन अस्तिन की लंबाई तो लंबाई फिर वहीं से नापेंगे जहां आपका ये अस्तिन फिट हुआ है वो वाली सिलाई और वहां से लेकर के यहां तक का टोटल कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका अप्रॉक्स सवा चार इंच अगर कस्टमर पूरा थोड़ा बढ़ाना है तो ठीक है आप बढ़ा दो बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है तो सवा चार यहाँ पर लेंथ को नोट कर लेंगे इसके बाद अस्तिन की गोलाई मतलब उसको हम क्या बोलेंगे मोहरी हाथ को ऐसे ऊपर

तो ये सोलह इंच इनकी आर्म होल की गोलाई है या, या। <laughs> तो ये टोटल इतना जो मेजरमेंट है ये आपको लेना चाहिए कोई भी ब्लाउज आप बना रहे हैं ये मेजरमेंट्स अगर आपके पास है तो आप किसी भी तरह का ब्लाउज एकदम आराम से बना सकते हो तो आज आपने देखा मम्मी ने कंप्लीट मेजरमेंट लेके दिखाया और ये मेजरमेंट आप यहाँ पर देखो किस तरह से हमने क्या क्या चीजें नापा लंबाई नापा चौदह इंच का अपर चेस्ट है ना उसके बाद चेस्ट कमर शोल्डर सामने गला पीछे गला डॉट पॉइंट अस्तिन मोहरी और आर मोहर ये इतना मेजरमेंट्स है तो ये इतने कंप्लीट मेजरमेंट्स लेने फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो आपका चेस्ट है और ये अपर चेस्ट है है ना अपर चेस्ट की कटिंग के मतलब क्या है कि आपको ये पीछे पल्ला काटना है अपर चेस्ट के हिसाब से इसलिए अपर चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है और इन दोनों में आपको दो इंच की स्टैंडर्ड लूजिंग नॉर्मल ब्लाउजेस को बनाने के लिए देनी है लाइक डीप गला या नॉर्मल जो भी जितने भी गले बनते हैं दो इंच की आपको क्या देनी है लूजिंग देनी है ठीक है और इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ नहीं तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और आपको समझ में नहीं आएगा आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो का पसंद आया तो उसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कमेंट जरूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो और अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट भर भर के करना ताकि ऐसी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सके हम लोग बाय बाय